मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम मुंबई के छोटा सोनापुर में है और जो बिलाल मस्जिद है यहाँ पर आज जो है तंजीमे अहले सुन्नत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस रखा गया था और यहाँ पर शहर से और दूसरे राज्यों से जो है तमाम उलमा इकराम यहाँ पर आए थे। खासतौर पर इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जिस तरह से मुस्लिम समाज में जो है बुराइयां फैल रही है, एक तरह से कह सकते हैं जो मुस्लिम समाज के नौजवान लड़के हैं लड़कियां हैं वो जिस तरह से भटक रही है, एक तरह से कहे कि नशे के चपेट में आ रही है, उस पर कैसे लगाम लगाया जाए, इसको लेकर यहाँ पर जो है बात हुई। और इसके अलावा जो मस्जिद है मदरसे है इनके ऐसे कई मस्जिद मदरसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसे किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराया जाए। और खास तौर पर इस बात का भी जो है यहाँ पर जिक्र किया गया कि जिस तरह से लड़कियों की जब शादी होती है तो उस वक्त जो है काफी दहेज जो है मांगा जाता है, तो इसमें यहाँ ये भी बताया गया कि दहेज लेना और दहेज मांगना ये जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, ये इस तरह की जो है मामले सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि दहेज मांगा जाता है और दहेज दिया जाता है तो ऐसे में जो है कई बार जो है ऐसी घटनाएं सामने आ जाती है जो नहीं होना चाहिए। बहरहाल जो है यहाँ पर जो तंजीम अहले सुन्नत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस रखा गया था, हजरत मोइन मियां ने इस कॉन्फ्रेंस को लेकर मीडिया से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने कहा और भी उलमा इकराम जो यहाँ पर आए थे उन्होंने क्या कुछ इसके बारे में जानकारी दी है हम आपको सुनाते हैं। आज महाराष्ट्र भर से जो उलमा इकराम यहाँ सुन्नी मस्जिद बिलाल ईदगाह मैदान में तशरीफ लाए थे, पूरे महाराष्ट्र के अइमा और उलमा बड़ी तादाद में नशा मुखालिफ तहरीक एंटी ड्रग्स मूवमेंट में शरीक हुए और अइम्मा मसाजिद से ये गुजारिश की गई है कि आप जुमा के बयानात में नशे से होने वाली तबाही पर बयान दें, आप अपने नौजवानों को नशे की लानत से किस तरीके से महफूज रखा जाए उस पर लाए अमल तैयार करें। और किस तरह से हाँ छह नुकाती प्रोग्राम थे जिसमें तहफ्फुज़े नामों से रिसालत सबसे अव्वल मौजू था वो, और दूसरा नशा मुखालिफ तहरीक, तीसरा मसाजिद मदारिस की जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के मामलात हैं उनमें उन दस्तावेज को दुरुस्त किया जाए, जो पेपर वर्क है उसको कंप्लीट किया जाए मदारिस के मसाजिद के, और इसी तरीके से और तीन पॉइंट्स थे जिन पर उलमाए कराम ने तबादले ख्याल किया। इस तरह से देखा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के नौजवान लड़कियां हैं और लड़के कुछ अलग रास्ते पर नशा हो गया या फिर और भी अन्य तरीके से इसमें फितना इसमें एक टॉपिक वो भी था फितना इर्तिदाद, जो नौजवान लड़के लड़कियां बेराहरवी का शिकार हैं उन्हें इस्लामी तालीमात दी जाएं, उन्हें कुरान और हदीस की रोशनी में उनको अल्लाह रसूल का जिक्र सुनाया जाए, यकीनन उनके कल्ब की कैफियत बदलेगी और वो मुत्तबे सुन्नत और शरीयत हो जाएंगे। महाराष्ट्र के 36 जिलों से उलमाए कराम अइमा मसाजिद यहाँ तशरीफ लाए थे। ये ऑल इंडिया सुन्नी जमीतुल उलमा ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था और ऑल इंडिया सुन्नी जमीतुल उलमा बड़े पैमाने पे पूरे देश में इस तहरीक को आम करेगी। कि आज की जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसके अंदर छह उनवानात रखे गए थे, उसमें सबसे पहला जो मुद्दा था वो नामों से रिसालत का था कि आज माजल्ला हुजूर की शान में गुस्ताखियां हो रही है और उससे मुसलमान मुस्तैद हो रहा है, तो ये बताया जा रहा है कि कानून के दायरे में रहकर और जो हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उनका किस तरीके से उनको कानूनी गिरफ्त में लिया जाए और किस तरीके से उनके मुंह पर जबान में उनके ताला लगाया जाए, ये जितना भी मामला होगा जितने भी मामला होंगे वो कानून के दायरे में रह के होंगे और मुसलमान हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लोग जो इर्तदाद की तरफ जा रहे हैं मुर्तद हो रहे हैं उसके सद्देबाब के लिए भी उलमाए कराम जो है वो मुहिम चलाए हुए हैं, लोगों को हुजूर की मोहब्बत का जाम पिला रहे हैं कि जब मुसलमानों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी तो उससे तमाम मसाइल जो है इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। एक
देखिए अल्लाह का फजल है कि नामूस रिसालत के मामले में जब भी मुसलमानों को आवाज दी गई है मुसलमानों ने लबैक कहा है। और एक छोटे से छोटी जगह पर जाएं आप और वहां पर नामूस रिसालत का अलम बुलंद करें तो लोग आपके साथ हो जाते हैं। उसका नतीजा ये है कि लोगों के अंदर बेदारी आई है और वो कानून की तरफ माइल हो रहे हैं और कानून भी कहीं पर जाकर अपना काम करता है, उससे एक पर एक्शन होता है तो सैकड़ों लोग जो है वो फिर वो अमल नहीं करते हैं कि अगर हम भी ये काम करेंगे तो हुजूर की शान में गुस्ताखी करेंगे या सहाबा की शान में या अहले बैत की शान में गुस्ताखी करेंगे तो हमारा भी यह हश्र होगा। लिहाजा वो अब लोग इससे जो है परहेज कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। नशे के ताल्लुक से तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मोइन मिल्लत बराबर तहरीक चलाए हुए हैं और उलमा के अंदर अब ये बात पहुंचाई जा रही है कि जुमे में नशे के नुकसानात और जो नशा इस्तेमाल करते हैं उससे क्या क्या नुकसानात होते हैं, घर वाले कैसे मुतासिर होते हैं, उनके माँ बाप कैसे मुतासिर होते हैं, वो तमाम चीजें उलमा जो है इंशाअल्लाह ताला जुमा में बयान करेंगे, उससे भी लोग दूर होंगे। मस्जिद और मदरसे के रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से ये है कि कादियानी जो है वो हमारी मस्जिदों पर बहुत ही चालाकी के साथ कब्जा कर रहे हैं। होता ये है कि किसी मस्जिद में 60 ट्रस्टी हैं, वो मालूम करते हैं कि यहाँ पर कितने ट्रस्टी हैं, मालूम हुआ कि 60 ट्रस्टी होते हैं मगर 4 का इंतकाल हो गया, वो जाकर वक्फ बोर्ड में 4 अपने लोगों के नाम लिखा लेते हैं और इस तरीके से वो उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। मुसलमानों को मालूम भी नहीं होता है कि यहाँ पर 4 ट्रस्टी जो है वो कादियानी बन चुके हैं। जब किसी किस्म के मामला आते हैं तो फिर वो मामला खुलता है कि अरे इसमें कादियानी भी ट्रस्टी बन गए और हुकूमत और पुलिस ये बोलती है कि ट्रस्टी जो बोलेंगे वो होगा। तो माजल्ला इस तरीके से एक आध मस्जिद हमारे इल्म में आई है कि चली गई। उसके लिए हजरत मोइन मशायख हजरत मोइनिया साहब ने ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा में एक वकील को बैठाया है, 4 बजे से 7 बजे तक वो वकील वहां पर बैठेंगे, बैठते हैं बल्कि, तो अगर किसी का कोई मसला हो वो वहां पर ले जाएं, वो कागजात दुरुस्त करवाएंगे और उसके बाद औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड का जहाँ ऑफिस है वहां पर भी वकील को मुकर्रर किया गया है कि यहाँ के बाद वहां पर आप जाए और आपके कागजात वगैरह जो है वो इंशाल्लाह ताला दुरुस्त करवाए जाए। रसूल बिलाल मुंबई शहर का ये के इंफरादी और ये फिक्री जो है प्रोग्राम था, खास तौर पर महाराष्ट्र के तमाम अज़ला के नुमाइंदगान इसमें मौजूद थे और अहले सुन्नत वल जमात के मुस्लहीन और मुफक्करीन तशरीफ लाए हुए थे जो बहुत ही अहम मौजूआत पर तबादले ख्याल फरमा रहे थे और जो समाज में बुराइयां पनप रही हैं उनके सत्य बाप के लिए अपनी तजावीज पेश फरमा रहे थे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द मुस्तकबिल करीब में हम ये कोशिश करेंगे कि ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के बैनर तले वहाँ भी इस तरह की नशिस्त मुनाकिद की जाए और उलमा के साथ साथ शहर के दानिशवरों को और पढ़े लिखे तबके को उसमें इकट्ठा किया जाए और नौजवान तबके को किस तरह से इस बुरे जराइम से रोका जाए, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इसका ऐलान करेंगे।